आ गए आप, आ गए हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसे शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना, क्योंकि आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो गाइज यार ये है वो कमाल की चीज़, देखो मैं इसे निकालता हूँ बाहर। देखने में भले ही ये किसी यूएसबी केबल जैसी दिखाई दे रही हो, लेकिन ये वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है गाइज, ये एक कैमरा है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक छोटा सा कैमरा है, एक एंडोस्कोप कैमरा है, जो कि सच में काफ़ी कमाल का है, क्योंकि ये आपके मोबाइल से, पीसी या फिर लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है, और इसकी मदद से हम उस दुनिया को भी देख सकते हैं जिसे अपन लोग नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो चलो यार फटाफट से इस चीज़ का टेस्ट लेते हैं, तो वीडियो को भी शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो गाइस यार काफ़ी कमाल की और काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर है एक यूएसबी कनेक्टर, इसे आप अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप के अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक काफ़ी छोटा सा कैमरा, और इसके अंदर लगी हुई है छोटी छोटी सी एलईडीज़ जो कि आपको अंधेरे के अंदर देखने में मदद करती है। और गाइस इसकी जो कीमत है वो भी काफ़ी कमाल की है, मात्र 700 रुपये। यार 700 रुपये में क्या मिलता है, लेकिन अपने पास है 700 रुपये में एक एंडोस्कोप। तो चलो इसे फ़ोन से कनेक्ट करते हैं। मेरा जो फ़ोन है वो यूएसबी टाइप सी को सपोर्ट करता है, तो मैं इस अडेप्टर का इस्तेमाल करता हूँ और इसे जो है फ़ोन के अंदर लगा देता हूँ। और जैसे ही मैं इसे लगाता हूँ, आप देख सकते हैं कि जो कैमरा है, जिसके सामने की जो एलईडी है वो जल चुकी है, और यहाँ पर एक बटन है जिसकी मदद से मैं जो है इसकी जो ब्राइटनेस है उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। एक ये बंद हो गई, ये तेज और ज़्यादा तेज, और ये सबसे तेज, देखा। तो गाइज यार अब आप देखिए, इसे किसी चीज़ पर पॉइंट करके देखते हैं, इस मार्कर से ट्राई करते हैं ना, इसके अंदर ये जो चीज़ है इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब देखना, इसे इस मार्कर के अंदर डाल के देखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा व्यू मिलता है। थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ अब इसे मार्कर के अंदर डाल के देखते हैं। 1 2 3, वो गाइस आप देख सकते हैं कि मार्कर जो है अंदर से किस तरीके का दिखाई देता है, कमाल है यार। मैं इसे अंदर डालता जा रहा हूँ, देखो अंदर से ऐसा होता है मार्कर, वाह ऐसा लग रहा है जैसे कोई टनल है, कोई गुफा है। देखो ये जो इसके अंदर एलईडीज़ हैं, इसका यही फायदा है कि मार्कर के अंदर भी रोशनी की वजह से हम सब कुछ देख पाए। इसे बाहर निकालते हैं वापस। ऑलराइट गाइस, तो चलो यार कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जिसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो चलो यार इस चीज़ को जो है अपने मुंह के अंदर डाल के देखते हैं। आप ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, देखते हैं मुंह के अंदर डाल के देखते हैं। तैयार हो? तो गाइस मेरा खुद का मुंह ही मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है यार। कान के अंदर ट्राई करते हैं ना, कान कैसा अंदर से, ओबो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कान नहीं किसी भैंस का कान हो। काफी अजीब दिख रहा है यार, अंदर बाल ही बाल है यार। और वैसे मैं अपना कान साफ करता हूँ यार, रोज साफ करता हूँ, लेकिन फिर भी इसके अंदर काफी गंदगी दिखाई दे रही है। तो गाइस यार कान के अंदर तो इतना ज्यादा मतलब नहीं जा पा रहा है, और अपने शरीर के साथ रिस्क लेना तो काफी ज्यादा मतलब बुरा हो सकता है, क्योंकि वो जो मेडिकल लाइन के अंदर एंडोस्कोप काम में आते हैं वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं और काफी ज्यादा महंगे होते हैं। उस चीज को इनके साथ ट्राई करना तो बेवकूफी है। तो चलो यार इस चीज को जो है किन्हीं और चीजों के ऊपर भी ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या चीज देखने को मिलती है। तो गाइज यार अब ट्राई करते हैं उस घोंसले के अंदर। गाइज ऐसे जो चिड़िया के घोंसले आजकल देखने को नहीं मिलते हैं, बाकी आप देख सकते हैं कि चिड़िया इसे कितने कमाल के तरीके से बनाती है। तो चलो इस तिपाई पे चढ़ते हैं और इसके अंदर कैमरा डाल के देखते हैं, देखते हैं कि अंदर चिड़िया के बच्चे क्या कर रहे हैं और अंदर का जो व्यू है इस घोंसले का वो किस तरीके का आता है। राइट गाइज, तो यार अभी जो घोंसला है आई थिंक वो खाली है यार। मैंने सोचा कि इसके अंदर चिड़िया का बच्चा होगा या फिर कुछ होगा, लेकिन अभी तो जो घोंसला है वो खाली है। बाकी आप अंदर से बनावट देख सकते हैं इस चिड़िया के घोंसले की कितने कमाल की है, देखो। वाह यार
कितने बिल्कुल पतले पतले से रेशियो से, आई मीन जो फसल होती है उनके रेशियो से चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है, कमाल है। अरे यार ये हिल रहा है एक, तो मैं क्या है ना इस घोंसले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता ज़रा सा भी। वाह यार खतरनाक व्यू आ रहा है देखो। मैंने चिड़िया के घोंसले को कभी भी अंदर से नहीं देखा था, आज देख लिया। तो गाइस यार ये हमारे एसी का पाइप है जिसके अंदर से पानी निकलता है, तो चलो इसके अंदर डाल के देखते हैं, फिर देखते हैं अंदर का नज़ारा कैसा आता है। ओ यार यकीन नहीं आता कि जो पाइप है वो इस तरीके से दिखाई देता है अंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा लग रहा है जैसे किसी टनल के अंदर जा रहे हैं अपन। हो जैसे जैसे अंदर जाता जा रहा है जो वो है क्या कहते हैं नज़ारा, वो भी काफ़ी खतरनाक दिखाई दे रहा है। ओबे ऐसा लग रहा है जैसे ये पाइप नहीं सांप है, बाहर से देखो पाइप कैसा दिखाई दे रहा है जबकि अंदर से देखो पाइप कैसा दिखाई दे रहा है। हो काफ़ी डरावना है यार। तो गाइज़ यार यहाँ पर एक चींटियों का बिल है, तो चलो यहाँ पर कैमरा डाल के देखते हैं और देखते हैं कि कैसा व्यू आता है। रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। राइट गाइज़, तो लेकिन ये वाली जो चींटियाँ है ना यार, ये खाने वाली चींटियाँ है, ये बटके भर जाती है, काटने वाली चींटियाँ नॉर्मल चींटियाँ नहीं है, काफ़ी बड़ी है। ओहो यार, तो गाइज़ यार ये जो कैमरा है ना, ये मतलब एंडोस्कोप होने के साथ साथ एक मैक्रो लेंस भी, आई मीन इससे जो है छोटी चीज़ें काफ़ी बड़ी दिखती है। कीड़े मकोड़े भाग रहे, अब इस पर मकोड़े चढ़ने लग गए। अभी से मकोड़ों ने इस पे हमला कर दिया। अब देख सकते हैं कि मकोड़े इसके ऊपर किस तरीके से लूम गए, मेरे हाथ पे भी आ गया एक, तो देखो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। इसको थोड़ा देर यहीं पे रहने देते हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा सा पीछे करते हैं। ये देख रहे हैं यार ये किसने घुसपैठ कर दी। हमें काफ़ी सावधानी रखनी होगी, हम इन चींटियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, बस धीरे से ये देखना चाहते हैं कि ये क्या करती है वो। ये तो पागलों की तरह भाग रही है इधर से उधर तेजी से, इनकी रफ्तार कितनी ज़्यादा तेज हो गई। इसने तो पूरे कैमरे को घेर लिया इन चींटियों ने खतरनाक तरीके से। अबे थोड़ा अंदर डाल के देखते हैं, अंदर कैसे डालूं यार। चींटियों ने देखो किस तरीके से इसे घेर लिया, देखो ओबे मेरे हाथ पे भी चढ़ गई। राइट गाइस, तो यार ये जो चींटियाँ हैं ये तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है, तो चलो इनको तो परेशान नहीं करते थे, इनको तो यहीं छोड़ देते हैं, किसी और चीज़ के साथ में ट्राई करते हैं। और गाइस आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, ये टीम ऊपर चढ़ी हुई है, कुछ टीम नीचे बैठी हुई है, हम पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं और यहाँ से देखो नज़ारा आया और मज़ा आ गया। देखो देखो ऊपर रोशनी किस तरीके से जा रही है, क्यों सनसेट हो रहा ऑसम। और ये खेतों की हरियाली, अभी तो बारिश हुई नहीं है, बारिश होगी तो ये जितना भी इलाका आप यहाँ पे देख रहे हैं ना पूरा हरा भरा हो जाएगा। गाइस गांव में रहने के अपने ही फायदे हैं यार, सच में देखो फ्रेश हवा, कोयल की चहचहाट, मजा आ जाता है सच के अंदर। और हम चढ़े हुए हैं यहाँ पर इस पेड़ के ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो गाइस यार इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, इस गांव की खुशहाली के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है, तो इसका एम भी रखते हैं 2 लाख लाइक्स, और मुझे पता आप अच्छे से कर दोगे। अब मैं आपको बताऊंगी अब अपना कैमरा हम कहाँ डालेंगे। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस नीम के पेड़ के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा खड्डा हो रखा है, पता नहीं ये चिड़िया ने बनाया फिर किस चीज़ ने बनाया या फिर तोते का हो सकता है, तो चलो इसके अंदर कैमरा डाल के देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है ना। ओ बे यार पेड़ के अंदर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, और अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। काफी अजीब सा तना है अंदर से, पता नहीं यार ये चिड़िया जो है पेड़ के अंदर इतनी गहराई तक खड्डा कैसे कर लेती है। आप देख सकते हैं कि जो खड्डा है वो काफी गहरा है। ओ भाई इसके अंदर कुछ है, तो गाइस यार इसके अंदर कुछ है, या तो तोते का बच्चा है, रंग बिरंगा है, और इसने मुंह फाड़ रखा अपना, ये मर तो नहीं गया यार है? नहीं जिंदा होगा नहीं यार, ऐसा लग रहा है इसके अंदर, देख
शायद तक मर गया, नहीं 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 जिंदा है, इसकी आंखें उसे पता पड़ रहा है कितना छोटा सा बच्चा है यार। सच में इस कैमरे के पैसे वसूल हो गए, 700 रुपए, लेकिन 700 रुपए पूरे वसूल हो गए। अपनी लाइफ में मैंने ऐसा सीन कभी नहीं देखा, ऑसम। थोड़ा और आगे डालते, नहीं यार बेचारे इसको परेशान नहीं करते हम ज्यादा यार, है ना। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि सनसेट कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये अपने दिलराज भैया उतर रहे हैं नीचे से नहीं ऊपर से, अरे ऊपर से यार, सॉरी। ऑलराइट गाइस, तो यार इस प्यारे से सनसेट के साथ मैं आपसे कहता हूँ अलविदा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बटन को दबा दीजिए। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर किसी नए और यूनिक टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।